स्वागत है दोस्तों। आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप लोग पैन कार्ड अपना बनवा सकते हो अपने घर पर ही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है और आपके घर पे ही, खुद आपके घर पे डाकिया आके आपको 10 से 15 दिन में आपका पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके हाथ में दे देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि आप घर बैठे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले गूगल खोल लेना है, गूगल क्रोम में खोलिएगा। गूगल क्रोम में बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम खोलते हैं, आपको लिखना होगा UTI ITF, ITF ठीक है ना, ITFL। ये इतना लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको नीचे जाना है और जो सबसे पहले आ रहा है, जो जो आपको दिख रहा होगा UTI ITFL, इसमें आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने घर बैठे आप अपने लैपटॉप से भी बना पाओगे पैन कार्ड बहुत ही आसानी से। तो आपको ये वेबसाइट खुल गई जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आपको बताना चाहूँगा मैं। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया वेबसाइट है। और आपको इसके नीचे जाना है, नीचे जाते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैन कार्ड सर्विस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैन कार्ड सर्विस। ये जो पैन कार्ड सर्विस है इस पर पेपरलेस पैन कार्ड है, पेपरलेस, इसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फिजिकली साइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई कागज़ पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने पैन कार्ड पे, जो कि पैन कार्ड आपका डिस्पैच होगा, डिस्पैच मतलब कि जो आपके घर आएगा उस पैन कार्ड पर आपको साइन करना है, बाकी आपका पेपरलेस काम होगा। तो सबसे पहले मैंने जो क्लिक किया उस पे सर्विस पे, उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है पैन कार्ड एज एन इंडियन सिटीजन या फिर NRI पे। इस पे आप क्लिक करते ही आपको खुल जाएगा यहाँ पे फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 14 ए आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, क्योंकि आप नया पैन कार्ड बना रहे हैं इसलिए आपको क्या करना होगा, 49A पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करते ही आपके लिए एक फॉर्म खुलेगा, 49A फॉर्म खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल मोड, डिजिटल मोड, आधार बेस्ड, ये आप इस पे आप क्लिक कर दीजिए। डिजिटल मोड, फिजिकल मोड मत कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल मोड कीजिएगा तो फिर आपको पेपर वाला काम हो जाएगा, प्रिंटेड फाइन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म द नियरेस्ट UTI IFL, ये आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि मोबाइल लैपटॉप पे आपको बनाना है, तो आपको लैपटॉप पे बनाना है तो क्या करना होगा, डिजिटल मोड करना होगा। उसके बाद आधार KYC कर देना होगा, आधार बेस्ड KYC करना होगा। ये मत कीजिएगा DFC मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपको अपलोड करना होगा सिग्नेचर और फोटो। अगर आप आधार बेस्ड करते हैं, सॉरी, अगर आप आधार बेस्ड करते हैं, एक मिनट, अगर आप आधार बेस्ड करते हैं तो आपको कोई सिग्नेचर या फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो आधार कार्ड जो आपका बना हुआ है आधार कार्ड उससे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको यहाँ पे उसके नीचे जाना, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल पे ही रहने देना है, ठीक है ना। उसके बाद बोथ आप बोथ भी कर सकते हो, फिजिकल और ई पैन कार्ड। ई पैन कार्ड आपको ईमेल पर आएगा, जो कि आप मेल आईडी आप दोगे इस फॉर्म 49A को भरने के दौरान, आप जो मेल दोगे उस मेल पर आएगा, और फिजिकली आपको 10 से 15 दिन के अंदर पैन कार्ड मिल जाएगा। या फिर आप ई पैन कार्ड भी फिर कर सकते हो कि आपको फिजिकली 10 से 15 दिन के अंदर जो पैन कार्ड आता है वो आपको नहीं चाहिए, फिर आपको मेल पर पैन कार्ड चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे क्या, सबमिट कर दोगे, तो आप बोथ करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको फिजिकली भी मिल जाएगा, आके घर पर पहुँचा दिया जाएगा आपके। सबमिट करने के बाद 49 फॉर्म A खुल जाएगा, ये आपको नोट कर लेना होगा। रेफरेंस नंबर नोट करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल भरना होगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, पर्सनल डिटेल सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, रेफिडेंस, सब कुछ आप भर लीजिएगा आराम से, ये तो आपकी डिटेल आपको अच्छे से आपको पता होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं आपको डालना है, क्योंकि आपका ये आधार से लिंक है, तो आधार आपको ऑटोमेटिकली लिंक रहेगा, तो आपका आधार से ही ले लेगा, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट एंड परमानेंट डिटेल, परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट है, वो जो आपका आधार से वो लिंक करके वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको कुछ नहीं देना है, एड्रेस डिटेल भी नहीं देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको शायद देना पड़े, बस कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है वो देना होगा, बाकी और आपको कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको कुछ नहीं अपलोड करना है, क्योंकि आप ये आधार कार्ड आप अपलोड कर रहे हो, आधार कार्ड का नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वेबसाइट आपको सरकारी है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें सिक्योरिटी मिलती है, तो आपको याद रखना होगा UTI ITFL।
वेबसाइट है जिससे कि आपको आधार कार्ड आपका, सॉरी पैन कार्ड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से आजकल बन रहा है पैन कार्ड, तो आप लोग भी पैन कार्ड बना लो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, ओके बाय।